अपन एक्सेस ओपन करते हैं, ये क्या हुआ? चलिए एक्सेस को ओपन करते हैं, कहाँ है? डेस्कटॉप पे है, ये है। ये अपन ने फॉर्म बनाना सीख लिया था, उसमें कल अपन ने बैकग्राउंड कलर वगैरह देना सीख लिया था, तो आ गया था सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये ब्लैंक फॉर्म है। अभी अपन ने फॉर्म सीखा था तो उसमें क्या होता था कि वो पहले से ही फॉर्म उसके अकॉर्डिंग जनरेट करके देता था, और यहाँ से अपन ने फॉर्म डिजाइन सीखा था, इसमें अपन क्या करते थे, अपने अकॉर्डिंग बनाते थे। और ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ब्लैंक पेज आ जाएगा, इसमें भी आप आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक, अभी फील्ड्स आ रही है, आप यहाँ पर ले लेंगे। बस दोनों में डिफरेंस इतना रहता है कि ये आपका ब्लैंक आता है और जो उसमें आप लेते हैं उसमें डॉट डॉट ग्राफिक्स टाइप में लेता है वो आपका। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डिजाइन कर लेंगे, ठीक, कुछ नहीं होगा वो, बस इतना है कि डिफरेंस उसमें क्या है, लाइंस आती है तो आप फील्ड को एक क्रम में रख सकते हैं उनको, मतलब लाइंस पे आप रख लेंगे, ना ही कोई आगे होगी ना ही कोई फील्ड पीछे होगी, मतलब आगे पीछे होंगी। इसमें क्या होगा, जैसे आप किसी किसी सिस्टम में डबल क्लिक से फील्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप इस पे डबल क्लिक करते हैं तो उसने फील्ड ले ली यहाँ पे, और फिर यहाँ पे करेंगे तो इसने ले ली, और इसमें इस टाइप से आ रहा है आपका चेंज थोड़ा, ठीक है क्या? हाँ, इसमें आपका पहले से तो लिखा आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे मूव भी करेंगे ना इसे, तो अभी तो आपने ये डबल क्लिक करके ली है तो इसलिए यहाँ पे इस टाइप से ले रहा है। अब अपन इसको क्लोज करते हैं, नो कर देते हैं। फिर आप क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ से अगर आप इसको मूव करेंगे, मूव कर दी, फिर आप इसको मूव करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आपको फिर, हाँ, लेकिन ये लाइन से नहीं लेता, ले रहा है तो अच्छी बात है, देखिए ले ली उसने, तो आप इससे भी कर सकते हैं मतलब एडिटिंग। फिर अगर आपको ये लाइन से ले रहा है, इक्वल में ले रहा है, तो आपको ये जो फॉर्म डिजाइन है ना उससे इजी फिर आपको ये फॉर्म रहेगा। पूछिए क्यों, क्या आपसे नहीं पूछा, आप थोड़ा रुकिए, क्या? हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता था आपका, हाँ, इस टाइप से आप यहाँ पे क्या करते थे, एक एक करके मूव करनी होती थी, और अगर आप डबल क्लिक करते थे तो वो सही क्रम में लेता। इसमें क्या होगा, अगर आप एक एक करके भी मूव लेंगे, मूव करेंगे तो भी वो ले रहा है आपकी, और अगर आप डबल क्लिक करके भी लेंगे तो भी वो ले रहा है आपकी। अब आप इस पर राइट क्लिक करके इसको सेव करेंगे, तो किस नाम से इसको सेव करना चाहते हैं वो नाम देके ओके कर देंगे। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्म व्यू में देखेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। अब आप बताइए, बोलिए ही मत, अब आप थोड़ा शांत बैठिए। हाँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फील्ड्स कट रही हैं आपकी। आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से नहीं, डिजाइन व्यू आ गया। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपकी फील्ड आ रही है। अब अपने भी मूव करते हैं, ये एक साथ बड़ी कर रहा है सभी, अब वो छोटी कर ही नहीं रहा, देखिए। यस, नहीं, ये एस टाइप का ग्रुप में है, हम बताते हैं इसका थोड़ा बड़ा साइज कर लें अपन। इस पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आ रहा है ना आपका, इसे आप कहीं भी मूव करेंगे तो ये ग्रुप में आ रहा है, ये इस टाइप का ये बॉक्स ले रहा है, ये प्लस का साइन आ रहा। अब आप इसका ये डॉट है, इसमें छोटे बड़े करने के लिए दिख रहा है आपको, दिख रहे हैं, देखिए ये है, ये इस पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, इसका साइज छोटा कर देंगे, बड़ा करना बड़ा कर देंगे। इसी टाइप से इस साइड भी है, बट वो उस पे माउस पॉइंटर चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो दोनों फील्ड एक साथ बहुत पास पास में है। इस वाले डॉट से करते हैं अपन ने इस पे क्या किया, क्लिक किया, अब वो इस टाइप डॉट पे भी देर में लेगा आपका, देखिए इस साइड से वो इसी साइड की कर रहा है, इस साइड की नहीं कर रहा है वो, क्योंकि वो दोनों फील्ड पास पास में है, फील्ड बहुत ज्यादा, थोड़ा अगर उनके दूर होती ना वो आपको, तो वो आप माउस पॉइंटर ले जाते तो वो एरो वाला साइन दे देगा आपको, क्या नहीं,
इसमें नहीं मिलता आपको, वो आप फॉर्म चार टाइप्स बनाएंगे ना उसमें मिलता है आपको, जूम आउट जूम इन। तो इस टाइप से आपकी फील्ड नेम कटी हुई आएंगी फिर इसमें, ठीक है। तो इससे अपन हटा ही देते हैं, क्लोज कर देते। अब हमें ये फॉर्म डिलीट करना है, फॉर्म थ्री जो हमें डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे और यस कर देंगे, तो वो डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है आपको फॉर्म विजार्ड, इसमें आपके चार टाइप्स के होते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि फॉर्म के प्रकार बताइए या फिर आप क्या टाइप्स बताइए, वो इंग्लिश में हो जाएगा। लेकिन एक बात और, ये बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो फॉर्म सेकंड है आपका, इसमें हमें मदर नेम और ऐड करना है, तो कैसे करेंगे बताइए। देखिए, हमने आपको पहले ही कहा था सभी स्टूडेंट को कि जो टेबल ली है, टेबल में जितनी फील्ड होंगी वही फील्ड आप ले सकते हैं, फॉर्म में भी वही फील्ड ले सकते हैं, पर टेबल में आपका यहाँ पे मदर नेम है ही नहीं है, तो फॉर्म में ले सकते हैं क्या आप? नहीं ले सकते। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपने टेबल लिया उसमें ऐड करना पड़ेगा ना। अब फील्ड ऐड कैसे करेंगे आप? आप इसके देखिए, यहाँ पे आपका लास्ट क्या है, फोटो तक है, आप इसको स्क्रॉल करके आगे की साइड जाएंगे। यहाँ पे बता रहा है क्लिक टू ऐड, मतलब इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके डाटा टाइप के ऑप्शन आ गए, डाटा टाइप ये ही आपको शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट। तो अगर आप मदर नाम ले रहे हैं तो उसे किस डाटा टाइप में डालना चाहते हैं, शॉर्ट में, तो आ गई आपकी यहाँ पे फील्ड। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड वन लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और रीनेम फील्ड आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, रीनेम कर देंगे, कर ही देते हैं, ठीक है। लेकिन अपन लिख नहीं रहे, हम तो सिर्फ बता रहे हैं ओनली। तो आपने यहाँ पे ये कर लिया फील्ड नेम चेंज, सॉरी ऐड कर लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, नाम फिल कर लिया आपने, अब ये आपको फॉर्म में ऐड करनी है, तो अब आप कर सकते हैं कैसे, इसको पहले अपन सेव कर देते हैं। अब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे। अब आप फॉर्म को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको फादर नेम के नीचे मदर नेम करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये डिजाइन टूल है, यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलता है आपको, ऐड एडजस्टिंग लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको सबसे नीचे आ रहा है मदर नेम, क्योंकि लास्ट में एडिट किया था अपन ने उसे, बीच में कहीं लेते तो मैं वहां ले लेता। अब इस मदर नेम को मूव करके आप यहाँ रख देंगे, पर इन सभी फील्ड को पहले आपको नीचे करनी रहेंगी। तो अपन कंट्रोल की के साथ इन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं इस टाइप से, और कीबोर्ड में एरो की है उससे आपने डाउन एरो की से नीचे करते जाएंगे, आ गए नीचे। अब आप यहाँ पे करेंगे जो मदर नाम, मतलब मदर नेम आप जो इसमें ऐड करना चाह रहे हैं फील्ड, आप उस पे माउस को पॉइंटर को क्लिक करके रखेंगे और इसे मूव करके रख देंगे। अब अपन ने डबल क्लिक करके क्यों नहीं ली, किसी को पता है? आई नहीं।